नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट न्यूज एंड इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत है। आईपीएल का रोमांच शनिवार को उस समय अपने चरम पर दिखा जब चिर प्रतिद्वंदी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर उतरे। 3 घंटे में हुए इस मैच में 56 चौके और छक्के लगे। आप सोच सकते हैं कि कितनी गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर गईं। दोनों टीमों ने रन बनाए 437 ओवर खेले, कुल 44 अर्धशतक बने। बाउंड्रीज में पहली बार ऐसा हुआ जब दोनों टीमों ने अपनी अपनी बारी में केवल 26 चौके लगाए, और जिसमें 14 चेन्नई और 16 मुंबई ने लगाए। वहीं दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने 30 गेंदों को हवा में सीमा पार पहुँचाया, यानी कि 30 छक्के इन दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने 40 ओवर में मारे। बेहद रोमांचक मुकाबला जीता मुंबई इंडियंस ने। मैन ऑफ द मैच बने केरेन पोलार्ड। दिल्ली में खेले गए मैच में मुंबई ने पहले टॉस जीता, बैटिंग दी चेन्नई को, जिसके बाद शुरू हुई चौको छक्कों की आतिशबाजी। चेन्नई की तरफ से डुप्लेसिस ने 50, मोइन अली ने 58 और अंबाती रायडू ने नाबाद 72 रन बनाए। रायडू ने इसके लिए मात्र 27 गेंदें खेली, 266 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने, और रायडू ने 4 चौके और 7 छक्के लगाए। 20 ओवर में चेन्नई ने स्कोर बनाया 218 रन, मुंबई को बनाने थे 219 मात्र 120 गेंदों में। मुंबई ने क्विंटन डिकॉक 38, रोहित शर्मा 35, कृणाल पांड्या 32, हार्दिक पांड्या 16 और किरण पोलार्ड नाबाद 87 रन की बदौलत ये मैच 20 ओवर में आखिरी गेंद पर जीता। मात्र 34 गेंदों में 87 रन बनाने वाले पोलार्ड ने अपना अर्धशतक मात्र 17 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने इस आईपीएल 14 का सबसे तेज 50 ठोकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 34 गेंदें खेली, 6 चौके मारे और लगाए 8 गगनभेदी ऊंचे लंबे छक्के। पोलार्ड ने बॉलिंग में 2 विकेट भी चटकाए, इसके लिए उन्हें मिला मैन ऑफ द मैच। अंक तालिका में मुंबई अपने पुराने स्थान यानी चौथे स्थान पर बना हुआ है। 7 मैचों में अब तक उसके 8 अंक हो गए हैं और चेन्नई 7 मैच में 5 जीत के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है उसके 10 अंक। रविवार को आईपीएल 14 का 28वां और 29वां दोनों मुकाबले खेले जाएंगे। पहला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आईपीएल कवरेज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।